discuss about the next important topic, budding. In the previous video, we have already discussed binary fission, in which you see how amoeba, paramecium, eubrina are divided. And let us ask one of the most important methods, budding. It is also an asexual reproduction. Budding is also known as torulation. बडिंग को हम टोरुलेशन भी कहते हैं। बडिंग इज फाउंड इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनम्स एंड आल्सो सम इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनम्स। जितने भी आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनम्स होंगे वहां पर आपको बडिंग दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनम्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, स्पॉन्जेस, वहां पर भी आपको बडिंग दिखाई देता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बडिंग, यानी इट मीन्स क्या हुआ कि जो भी आपका ऑर्गेनिजम्स होगा, जो भी आपके इंडिविजुअल्स होंगे, उस इंडिविजुअल्स पर आपका एक स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा। आफ्टर सम टाइम्स जो आपके न्यूक्लियस होंगे ऑर्गेनिजम्स के, वह न्यूक्लियस आपके डिवाइड करेंगे, देन वन ऑफ द न्यूक्लियस इज माइग्रेटेड इनटू द प्रोटोब्रेंस। फर्दर उसकी जो बेस होगी, बेस आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, और कॉन्स्ट्रिक्ट होने के बाद आपके ऑफस्प्रिंग अलग हो जाएंगे। इस तरह से आपका बडिंग का प्रोसेस होता है। लेट अस डिस्कस। बडिंग इज फाउंड इन ईस्ट राइजोपस एंड सम फंजाई, राइजोपस एंड सम फंजाई। एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनम्स, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। हियर इन द ईस्ट ए स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज एट द सर्फेस ऑफ द इंडिविजुअल्स एनीवेयर। दिस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज, इट फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। आफ्टर सम टाइम्स द न्यूक्लियस इज also divide and one of the nucleus is migrated to the protuberance। जो आपके बड़ होंगे, बड़ में आपका ये nucleus आपका migrate कर जाएगा। further क्या होगा कि जो आपका protuberance है, protuberance की जो base होगी वह base आपकी constrict करती है, और जब base constrict करती है तो देखोगे कि यहाँ से बीच की बात होगी, आपकी dissolve हो जाएगी, और dissolve होने के बाद आपके दो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से आपका बडिंग का प्रोसेस होता है। फिजिकली आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनम्स है। यहां देखोगे कि जो पैरेंट सेल होगा, पैरेंट सेल में आपका एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, देन न्यूक्लियस जो होगी आपकी डिवाइड होगी, डिवाइड होने के बाद एक आपका न्यूक्लियस आपका प्रोटोब्रेंस में माइग्रेट कर जाएगा। आफ्टर सम टाइम्स इसकी जो बेस होगी आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, और आपके दो गार्डन सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से आपके बडिंग का प्रोसेस होता है। कभी कभी आप देखोगे कि कुछ ऐसे भी आपकी पेरेंट्स बॉडी होगी जहां पर एक या एक से अधिक बड का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट स्टेज आर नोन एज टॉरुला स्टेज। उस स्टेज को हम बोलते हैं क्या, टॉरुला स्टेज। फर्दर हुआ आपका बड जो होगा आपका ब्रांच होगा, और ब्रांच होने के बाद फिर उससे आपके फिर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी बात हुई फॉर एग्जाम्पल ईस्ट के केस में। अगर हम देखें तो बडिंग आपका टू टाइप्स का होता है। बडिंग इज डिवाइडेड टू टू टाइप्स, दो स्टेज में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं। एक जो होगा आपका एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग, और सेकेंड आपका होगा इंटरनल बडिंग। सेकेंड जो होगा आपका इंटरनल बडिंग। अब देखिए क्या होगा, एक्सटर्नल बडिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आप देखोगे कि जो भी पेरेंट्स होगा, पेरेंट्स के आउटर सर्फेस पे आपकी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होंगे। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हाइड्रा, आप हाइड्रा के केस में देखेंगे तो हाइड्रा के केस में आप देखोगे, ये आपका हाइड्रा का स्ट्रक्चर है। हाइड्रा के केस में आप देखेंगे कि जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स एक आपका आउटग्रोथ अराइज होगा। फर्दर अब यहां पर क्या है कि ये तब तक आपका पेरेंट्स न्यूट्रिशन लेगा जब तक ये आपका इंडिपेंडेंट ना हो जाए। टोटल आपका ये पेरेंट्स पे आपका डिपेंडेंट होगा। आफ्टर सम टाइम्स यहां भी आप देखोगे कि यहां पर भी जो आपकी बेस होगी, ये बेस आपकी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी,
और कॉन्स्टिट करने के बाद जो आपका इंटीग्रल्स होगा वह इंटीग्रल्स आपका अलग होगा। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि एक्सटर्नल बॉडी या एक्सोजेनस बॉडी, यहाँ पर पेरेंट्स के सरफेस पे आपके बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस बर्ड्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी, आफ्टर सम टाइम्स दे आर बिकम डिपेंडेंट, देन दे सीक्रेट द पेरेंट्स बॉडी एंड बिकम एज एडल्ट। सो दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बॉडी। इंटरनल बॉडी में क्या होगा कि आप देखोगे इंटरनल मींस क्या होगा कि अंदर आपके बॉडी के अंदर कुछ आपके स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे एंड दैट सेल्स आर वी हैव सच आर्कियोसाइट सेल व्हिच आर टॉटिपोटेंट सेल एंड टॉटिपोटेंट सेल हैव एबिलिटी टू डेवलप द एंटायर ऑर्गेनिजम्स। नाउ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्पॉन्जेस यू सी this type of structure which is covered by outer membrane as well as inner membrane. Inner membranes में आप देखेंगे कि कुछ आपके cells होंगे and that cells are known as archaeocytes। ये आपके special type के cells होंगे यानी totipotent cells होंगे जिनके पास ability होगी entire organism के formation की, और ये पूरा structure आपका क्या होता है germinals। तो इनसाइड द बॉडी आपका बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आ जाएगा एंड दैट बर्ड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज जर्म्यूल्स। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ स्पॉन्जिला, एज यू नो स्पॉन्जिला इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, हियर इन द इंटरनल पार्ट सम स्पेशलाइज्ड सेल्स आर फॉर्म एंड व्हिच डेवलप्स इनटू द न्यू स्पॉन्जेस। ठीक है, एंड दिस process is known as internal budding. So that is the overall description about the budding. Thank you.